स्कूल में कि हम भक्त बन गए, हमने तिलक लगाना सीख लिया, 12 तिलक लगा रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं और चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं, तो अभी मेरे मन में खाली कृष्ण भक्ति के विचार आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन जो है वो हर वक्त है ना, आपका दुश्मन भी बन सकता है किसी भी समय, आपका मित्र भी बन सकता है। वो बहुत चीटर है, मन आपको चीटिंग करने आपके साथ कोशिश करता है। लेकिन हमको हमेशा ऐसी एसोसिएशन में रहना है, ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे प्रोटेक्शन में रखना है कि हम जो अशुद्ध विचार है उनसे बच सके। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अकेला जब हम बैठते हैं तब हमें हमेशा बुरे विचार आते हैं, तो किसी ना किसी तरह से, इसका मतलब ये नहीं हमेशा भक्तों के साथ गिरे रहेंगे हम, ऐसा नहीं है संभव। कभी कोई अच्छी पुस्तक सुबह को पढ़ ली, वो विचार हमारे मन में चलाना है, कोई आश्लोक पढ़ दिया। इसीलिए होता है सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमेशा प्रभुपाद जी ने दिया, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, मंगल आरती करते, सबसे पहले भगवान के दर्शन करते, तो वो दर्शन हृदय में छप जाने चाहिए कि आज मैंने भगवान के इस दर्शन किए, और फिर उसके बाद मंगल आरती करते, उसके बाद भागवत श्रवण करते, तो भागवतम का कोई श्लोक, आज हमने ये शिक्षा प्राप्त की। तो ऐसे विचार जब हम अपने मन में चलाते हैं तो मन की जो अशुद्धता है, वो गलत विचार जो है वो शुद्ध होते हैं।